या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। उद्योग मंत्री करेंगे जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता। उद्योग, परिवहन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर 15 अप्रैल 2021 को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सोलन के सी चमन ने दी। उपायुक्त ने कहा कि मुख्य अतिथि सर्वप्रथम कारगिल शहीद स्मारक पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों एवं जिलावासियों की ओर से शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 16 मई को होगी आयोजित। 13 अप्रैल रेणु शर्मा प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 छठी कक्षा में प्रवेश के लिए 16 मई 2021 को परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदन पोर्टल सक्रिय हो गया है और उम्मीदवार माता पिता इस परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गोला में 179 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की डोज। जिला चंबा के भटियात क्षेत्र के गांव गोला में 179 लोगों को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गोला में कोरोना मुक्त वैक्सीन की डोज दी गई। स्थानीय लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बताते चलें कि कोरोना टीकाकरण अभियान प्रदेशवासियों अभियान के तहत जिला चंबा में भी 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 45 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यह जानकारी बीएमओ समोट डॉक्टर सतीश फोतेदार ने दी है। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने ली शपथ। नगर निगम धर्मशाला के नव निर्वाचित पार्षदों ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। धर्मशाला के मिनी सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित एक सादे समारोह में उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने सभी पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के उपरांत मिनी सचिवालय के कैबिनेट हॉल में महापौर एवं उप महापौर पद के लिए चुनाव हुआ। चुनाव में वार्ड नंबर 3 मैक्लोडगंज के ओंकार नेहरिया सर्वसम्मति से नगर निगम के मेयर चुने गए। बोर्ड द्वारा एसओपी के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में किए गए इंतजाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व प्लस 2 की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। नाहर शिक्षा खंड के तहत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद में बनाए गए परीक्षा केंद्र में आज करीब 247 छात्रों ने 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की परीक्षा दी। छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड सैनिटाइजिंग होने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री की गई। घर घर से कूड़ा उठाने में इस्तेमाल होंगे वाहन। नाहन नगर परिषद द्वारा ऐतिहासिक शहर नाहन को स्वास्थ्य बनाने की मुहिम के तहत आज विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने 3 स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाई। नाहन नगर परिषद द्वारा यह 3 पहिया वाहन शहर की तंग गलियों से कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि नगर निगम परिषद में सफाई व्यवस्था को लेकर शहर में जो मुहिम छेड़ी है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शहर की तंग गलियों से अक्सर कूड़ा उठाने में परेशानी होती थी, जिसके बाद नगर परिषद ने समस्या को देखते हुए इन वाहनों को चलाने का निर्णय लिया है। जिला सोलन में पार्षदों को दिलाई शपथ। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अनुराग चंद्र शर्मा ने आज यहां नगर निगम सोलन के 9 नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 4 से निर्वाचित पार्षद संगीता ठाकुर, वार्ड नंबर 7 से निर्वाचित पार्षद पूजा, वार्ड नंबर 8 से निर्वाचित पार्षद पूनम, वार्ड नंबर 10 से निर्वाचित पार्षद ईशा पराशर, वार्ड नंबर 11 से निर्वाचित पार्षद अभय शर्मा, वार्ड नंबर 12 से निर्वाचित पार्षद उषा शर्मा, वार्ड नंबर 14 से निर्वाचित पार्षद राजीव कुमार, वार्ड नंबर 15 से निर्वाचित पार्षद संतोष ठाकुर तथा वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित पार्षद सरदार सिंह ठाकुर को शपथ दिलाई गई।
सोलन में रोजगार शिविर 16 अप्रैल से। सोलन जिला के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए जिला के सभी विकास खंडों में रोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में SIS ट्रेनिंग अकेडमी देहरादून द्वारा पात्रता पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां जिला ग्रामीण विकास विभाग के उप निदेशक राजकुमार ने दी है। राजकुमार ने कहा कि यह शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास खंड कंडाघाट में यह शिविर 16 अप्रैल 2021, कुनिहार विकास खंड में 17 अप्रैल 2021, धर्मपुर विकास खंड में 18 अप्रैल 2021, सोलन विकास खंड में 19 अप्रैल 2021 तथा नालागढ़ विकास खंड में 20 एवं 21 अप्रैल 2021 को आयोजित किए जाएंगे। पिता की कला को आज भी जिंदा रखे हुए चंबा की एक बेटी। चंबा की एक बेटी ने अपने पिता का हुनर आज भी जिंदा रखा है। 4 वर्ष पहले चमेशनी मोहल्ले की रहने वाली लता के पिता पूर्णचंद का निधन हो गया था। उनके पिता पूर्णचंद मूर्ति कला के बेहतरीन कारीगर थे। लता ने पिता के मूर्ति कला के हुनर को जिंदा रखने की सोच को लेकर वही काम फिर से शुरू किया है। लता ने इस वर्ष भी काली माता की मूर्ति बनाकर पिता की कला को संजोए रखने का कार्य शुरू कर दिया है। ठाकुरद्वारा में गुंडा तत्वों ने दुकान में लगाई आग। ठाकुरद्वारा में कुछ गुंडा तत्वों ने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के साथ बने एक टीन शेड को तोड़ दिया। वो उसके पीछे बने एक कमरे की दीवार को तोड़कर उसमें आग लगा दी। टीन शेड के मालिक लेखराज ने बताया कि रात को 1 बजे के करीब उन्हें घर के बाहर शोर सुनाई दिया, तो उन्होंने देखा कि शेड जिसमें वह कन्फेक्शनरी की दुकान करते हैं वहां कुछ लोगों ने तोड़कर आग लगा दी है। उन्होंने मौके पर देखा कि करीब 20 से 15 लोग लोहे की रॉड व अन्य हथियार से लैस थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।